कैसे आप सब लोग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। दोस्तों मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और गाइज मैं फील्ड में आ रखा हूँ जहाँ पे दोस्त ट्रेनिंग करते हैं आर्मी की। पेड़ की जो टहनिया है वो गिरी हुई है क्योंकि दिन में ना बहुत भयानक तूफान आया हुआ था, तो आप पीछे देख रहे होंगे बैकग्राउंड में पेड़ की टहनिया गिरी हुई है। और गाइज मैं ना यहाँ पे आ रखा हूँ, दोस्त यहाँ पे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और आधे दोस्तों इधर टाइम पास कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे पीछे। और गाइज आधे दोस्त ना उधर तैयारी कर रहे हैं जिनको पता है कि हमें होना है, और इनको तो पता है कि हमने टाइम पास करना है। ये हो चुके हैं भाई, और ये तो हो चुके हैं, ये खुद ही अपने मुंह से कह रहे हैं। तो गाइस जिस जो भर्ती हो जाते हैं ना पहले जो सोच लेते हैं वो इसी तरह घूमते हैं, और जिनको पता रहता है ना कि मेहनत करना है वो पीछे जो देख रहे होंगे आप वो लगे हुए हैं। तो गाइज मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। गाइज यहाँ पे ना दोस्त लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो गाइज यहाँ पे ना लंबी कूद की तैयारी चल रही है। तो गाइज लाल बंडी में देख रहे होंगे वो काफी रफ्तार से आ रहा है भाई, और देखते हैं कितनी लंबी कूद है। 16 फीट। 16 फीट। तो गाइज आप देख रहे होंगे 16 फीट की लंबाई पे लंबी कूद मारी हुई है भाई ने, और दूसरे भाई को देखते हैं। और गाइज यहाँ पे बहुत अच्छा बना रखा है लंबी कूद के लिए, और भाई का नाम है अभिषेक। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और भाई का नाम है, बहुत सुंदर। जो भी लंबी कूद मार के गए, भाई का नाम सौरभ है, और सौरभ भाई ने यहाँ पे 17 फीट की लंबी कूद मारी हुई है, और दूसरे भाई को देखते हैं कितनी मारते हैं। और दूसरे भाई आ रहे हैं लंबी कूद के लिए, और भाई का नाम है अंकित काला। सेम सेम, दोनों सेम है, 16 ही है। और यहाँ पे हमारे ना गुलजार भाई बोलते हैं हम मजाक में, और भाई ने तो 10 भी पूरा नहीं किया, तो देखते हैं फिर अगली बार। तो गाइस उधर से ना भागने में थोड़ा चढ़ाई है, और चढ़ाई में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, पुलिस की तैयारी करनी है। और सबसे लंबी कूद भाई ने मारी है 17 फीट। तो भाई ने मारी यहाँ पे 17 फीट, 1 फीट आगे से, और भाई की देखते हैं कूद। ओ भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, 16 से थोड़ा सा आगे। ओ भाई सबसे लंबी कूद, और गाइस अंकित काला की लंबी कूद देखिए, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, 16 बहुत सुंदर। और यहाँ पे गुलजार, और ये चरण, और यहाँ पे पिल्ला, गए सीधा पिल्ला में 400 की रफ्तार, और कुदाई की अगर नापी जाए फिट तो यहाँ पे इस बार अभिषेक भाई चूक चुके हैं 15.5 के करीब फिटिंग। और अगले कंटेंडर सौरभ भाई और लंबी कूद, और ये भी पीछे छूट चुके हैं इस बार, वहां नीचे से ना ऊपर के लिए चढ़ाई है तो इसलिए। और गाइज ये ना 1 घंटे से लगे हुए हैं, मैं थोड़ा लेट पहुंचा तो इसलिए थोड़ा चूक गया मैं। और गुलजार भाई यहाँ पे दौड़, और 10 भी नहीं हुआ पूरा, कोई दिक्कत नहीं, फिर से प्रयास किया जाएगा क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। और अब आ चुके हैं खूंखार जाबाज, और ये देखिए 13 भी पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, चेहरे पे मायूसी। पुलिस की तैयारी चल रही है और लंबी कूद की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे लड़के, क्योंकि मैं भी गाइस इसी फील्ड में ना प्रैक्टिस करता रहता था, और अब तो मेरी एज भी चली गई है, अब मेरी एज भी नहीं है भर्ती की। तो गाइस अब ना इनको देख के ही थोड़ा टाइम पास करता हूँ मैं, और अच्छा फील होता है, और इनके ना इनको देख के ना मेरे को ना अपने दिन याद आते हैं, और बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो गाइस जो अभी छोटे हैं जिनकी अभी एज है, तो गाइज वो ना खूब मेहनत करिएगा, क्योंकि गाइज जब एज निकल जाती है ना तो बाद में आदमी बहुत पछताता है कि जिस टाइम पे एज थी हमारी हमने मेहनत क्यों नहीं की होगी। क्योंकि गाइज मैं भी अब पछताता हूँ, मेहनत तो की थी लेकिन गाइज थोड़ा ना मैं हाइट में बाहर हो जाता था इसलिए। तो गाइज अगले भाई आ रहे हैं और उनका नाम है अभिषेक, बहुत सुंदर 18 फीट की लंबी कूद मारी है भाई ने, और सबसे अभी तक ना हाई रिकॉर्ड इन्हीं का है, इन लड़कों में से सबसे लंबी कूद मार रहे हैं। और भाई ने, भाई का तो इस बार पिकअप टूट चुका है, कोई बात नहीं अगले बार प्रयास करेंगे। और दूसरे भाई आ रहे हैं, उनका नाम है गुलजार, घर में गुलजार बोलते हैं, और बहुत सुंदर। गाइस ये 10 से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये ना चंडीगढ़ से आ रखे है, कल ही चंडीगढ़ से आए और प्रैक्टिस भी नहीं कर रखी है, तो आज ही ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज पहला दिन है इनका, और पहले दिन थोड़ा ना पिकअप नहीं बनता है, तो कम से कम 6-7 महीने हो गए होंगे इन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की, और कल ही यहाँ घर पहुंचे हुए हैं। तो देखते हैं गाइस इनकी मेहनत कितनी रंग लाती है, और मैं तो चाहता हूँ कि सबके सब भर्ती हो जाए और बहुत अच्छा लगे।
तो गाइस अभी ना यहाँ पे दूसरा दिन है, तो अभी इसकी ना डेकोरेशन करेंगे, इसमें सफेद चूना डालेंगे ताकि दूर से भागते हुए आए तो आदमी का भी पिकअप बना रहे और जो लाइन होती है वो भी दिखाई दे, क्योंकि अभी ना इन्होंने मट्टी वट्टी लगा रखी है यहाँ पे और पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो रखे हुए हैं, तो जब आदमी दूर से भागते हुए आ रहा है तो एकदम जब जंप मारने के लिए तैयार हो रहा है तो वो लाइन है ना जो एकदम दिखाई नहीं दे रही है, तो कल इसको ना अच्छे ढंग से लगाएंगे हम, सफेद चूना वूना डालेंगे ताकि भागते हुए पिकअप भी ना टूटे और आदमी लंबी कूद भी मार पाए और लंबी छलांग भी मार पाए। गाइज आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट में बताना, और व्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करना, और ऐसे व्लॉग डालने की कोशिश करता हूँ गाइज, आप भी एंटरटेन रहे, फुल एंजॉय करें गाइज मेरे व्लॉग को देखकर, और गाइज अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना गाइज, और गाइज मैं मिलता हूँ इससे भी इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।